एचकेवी शो में आपका आज शुक्र दिवस है, इसलिए स्वागत मैं नहीं बोलूँगा। खयाम साहब का आज देहांत हुआ है, 92 ईयर की एज में। आज शोका कुल परिवार की बिल्डिंग में मैं आया हुआ हूँ, जहाँ पे सेलिब्रिटी का आना शुरू हो गया है। और जैसे जैसे सेलिब्रिटी आएंगे, वो अपना जो भी उनका दुख व्यक्त करने का तरीका है वो देंगे। और खयाम साहब 92 ईयर के साल के बाद उनका देहांत हुआ है और कार्डियक अरेस्ट हुआ है। वो बेहतरीन म्यूज़िक डायरेक्टर और कंपोज़र थे। हिंदी फिल्मों को उन्होंने बहुत एक से एक उन्होंने तोहफे दिए, एक से एक गीत दिए, एक से एक संगीत दिया हुआ है, जो कि हमारे यादों में रहेगा और हमेशा अमर रहेगा। धन्यवाद। गुलजार साहब ये खयाम को ट्रिब्यूट दे रहे हैं। अरे बूम, रवि 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 बूम काफ़ी ज़्यादा से बस यही कह सकता हूँ कि स्कूल ख़त्म हो गया, स्कूल बंद, सार उस से टीचर उठ के चला गया है। ये नहीं आप सर, आप क्या हमने सब ने सीखा है उनसे, हम सब लोग ने सीखा, हम तो उनके गाने सुनते जवाब ही नहीं, बहुत बहुत देर तक बहुत साहब थोड़ा बताएंगे उनका, उनके साथ आपका काम कर जी। मैं उन्हें काम तो बहुत थोड़ा सा किया उनके साथ, लेकिन उन्हें जानता हूँ 1960 से, जब वो शर्मा जी के नाम से रिलीज किया जमाने में, लड़के ने गोबर के साथ काम करते थे। जाफरी साहब जाफरी थे, प्रहलाद जी थे, उस जमाने से जानते थोड़ा सा मौका मिला है उनके साथ। सर उनकी शख्सियत के बारे में आप सब जानते हैं। ये नीचे करो बूम, सब लोग नीचे करो। खयाम साहब सिर्फ एक मौसीकार नहीं थे, वो अपने आप में एक दौर थे। इनके जाने से एक दौर का खात्मा हो गया। आज जब म्यूजिक में इतना शोर है, खयाम साहब के गानों ने हमेशा कानों में रस घोला है और उन्होंने ये साबित किया कि मकबूल होने के लिए, मौसीकी की खिदमत करने के लिए आपको वेस्टर्न म्यूज़िक की नकल करने की ज़रूरत नहीं है। नौशाद साहब की तरह उन्होंने जो धुनें बनाई हैं, उन्होंने जो फिल्मों में अपना योगदान दिया है, मैं समझता हूं कि बहुत कम लोग होंगे। और दूसरी बात यह है कि खयाम साहब उन लोगों में से हैं जिन्होंने शोहरत के साथ साथ इज्जत बहुत कमाई। उनका हमेशा इज्जत से नाम लिया गया उनके काम की वजह से। और जो उन्होंने फिल्में की हैं ब्लैक एंड वाइट, फुटपाथ की उन्होंने, और उन्होंने मोहब्बत इसको कहते हैं कि उसके बाद कलर के दौर में भी आपने बहुत मकबूल फिल्में दी हैं, तो मैं यही कहूँगा कि उनका जो गाना है कि मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी मस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है, वो चले तो गए हैं लेकिन उनका काम, उनके गाने, उनकी धुनें, जब तक ये दुनिया रहेगी, जब तक ये दुनिया कायम रहेगी, उनकी धुनें हमारे कानों में रस घोलती रहेंगी। भले आज जिस्मानी तौर पे वो
हमारे बीच मौजूद नहीं है, लेकिन उनका जो किया हुआ काम है वो लाफानी है, वो काम अमर है। जब तक ये दुनिया कायम है, उनका काम कायम है, उनका जादू कायम है, उनका जादू जो है हमेशा उसने सर चढ़कर बोला है और हमेशा बोलता रहेगा।